नमीरा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मामले को सुलझाने की बजाय अपने गुस्से में आकर उसे और भी उलझा देती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा इरादा क्या है। मैं अबू से शिकायत करूंगी, एक वही है जो उससे निपट सकते हैं। अबू ही समीर की हरकतों पर लगाम डाल सकते हैं। समीर ने ऐसा क्या किया है जो तुम ये सब कह रही हो? जिस लड़की के साथ समीर गया है उसका नाम रूबी है, और इस रूबी के इश्क में पड़कर समीर हीना के साथ ज्यादती कर रहा है। इश्क के मामले दबाने से और उभरते हैं नमीरा, कहीं ऐसा ना हो कि समीर बगावत पे उतर आए। तो आप क्या चाहते हैं, कि मैं समीर को अपनी मनमानी करने दूं? क्या आपके और मेरे मनाने से वो मान जाएगा? तुम जो करना चाहती हो नमीरा वो मुनासिब नहीं है। हिना और समीर की बेहतरी के लिए जितना तुम सोचती हो उतना ही फिक्रमंद मैं भी हूं। जहां तक हो सके हम दोनों को मिलकर इन बिगड़े हुए हालात को सुधारना चाहिए। और हाँ, एक बात और, ये बात बुजुर्गों तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरी ये बात तो तुम मान ही सकती हो ना मीरा? रूबी, रूबी मेरी बात को सुनो, छोड़ दो गुस्सा, भूल जाओ सब कुछ। कैसे भूल जाओ सब कुछ? आज तक किसी ने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं की है। तुम्हारी बहन ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है और तुम कहते हो कि मैं भूल जाऊं? नहीं, समीर रूबी अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूल सकती। मुझे भी बुरा लगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते? अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे भूल जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ समीर, आज मैंने ये जान लिया कि तुम्हारे घर वाले मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। मुझे अपनी बीवी बनाने का ख्वाब अपने दिल से निकाल दो। ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो जाकर अपने घर वालों से कह दो कि मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ और तुम मेरे साथ शादी रचाने का ख्वाब देखते हो। रूबी, जो तुम चाहती हो वही होगा, मैं एक एक को अपने फेवर में लूंगा। लेकिन तुम नमीरा को अपने फेवर में कभी नहीं ले पाओगे। अपने शौहर का घर छोड़कर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद तो कर ली है, अब हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। समीर, नमीरा हमारे प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। मैं उसका भी कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। एक सेकेंड समीर, अब मेरी सब्र और इंतजार की हद हो गई। हेलो, कौन? गुलनार? शगुफ्ता बेगम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बस यूं ही फोन कर लिया था। कैसे हैं सब? सभी अच्छे हैं। वैसे आजकल शायद समीर की तबीयत ठीक नहीं। ये किसने कहा तुमसे? जब से हीना आई है तब से कोई एक ही बार समीर का फोन आया है। हीना ने भी तो फोन नहीं किया, मैं सोच रही थी कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। समीर अगर खबरगिरी करते रहेंगे तो उन्हें यहाँ की खबर मिलती रहेगी। वैसे आजकल लगता है समीर ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं, तभी शायद तुम्हें उनसे इस सिलसिले में बात करने का मौका ही नहीं मिलता, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समीर वक्त पर आ जाता है घर, पर इतना काम रहता है ना इन दिनों, बड़ा थक जाता है बेचारा, इसलिए मैं बात करना मुनासिब नहीं समझती। वैसे हीना से कहो अपने ससुराल वालों की कम से कम खैरियत तो पूछ लिया करें। जरूर कहूंगी, लेकिन तुम भी समीर से कहना, भूलना मत। जरूर। हाँ नमीरा, ये तुम्हारी अम्मी कहाँ रह गई? किसी का फोन आया है, उनसे बातें कर रही हैं। मामू मामू मामू। बबलू, चलो अपने कमरे में। आओ समीर। जी। कहाँ गए थे? ऑफिस से तो तुम लंच के बाद ही निकल गए थे ना? अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर चला गया था। दोस्तों से मिलने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन हिना का तुम्हें कोई ख्याल नहीं। हमें यह भी मालूम है कि वो अपने मायके क्यों गई है। ये क्या हो रहा है इस घर में? जी मैं अभी फोन करता हूँ हिना। मैंने उससे फोन पर बात कर ली, अब आपको सिर्फ ये करना है कि उसे जाकर घर लाना। आपने बात भी कर ली और वो मान भी गई आने के लिए, उसमें ताज्जुब की क्या बात है? आप जाइए उसे लाने की तैयारी करिए। वो जिस तरह गई है उसी तरह वापस भी आ जाएगी। ये
की क्या बात है? वो गई है तो उसे लाना तुम्हारा फर्ज नहीं है। अबू वो कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं, अकेले आ जा सकती। क्या बेतु की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाले हम? अबू इस तरह वो सर पर चढ़ जाएगी। मुझसे बहस मत करो, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी और उस लड़की में कितना जर्फ है ये तुमसे बेहतर जानता हूँ। ठीक है तो आप नमीरा को भेज दीजिए, वो से वापस ले आएगी। तुम मेरे गुस्से को तूल दे रहे हो। समीर नेक बीवी पर लोग जान छिड़कते हैं, वक्त पड़ने पर उसके लिए अपने वालदेन से भी उलझ पड़ते हैं, और एक तुम हो कि हमें उलझना पड़ रहा है तुमसे। ठीक है मैं उसे वापस ले आऊंगा। गुलनार, समीर ने बताया तुमको कि हिना को लेने कब जा रहा है? मुझसे कुछ कहा नहीं उसने। ये क्या कर रहा है तुम्हारा लाडला, मुझसे कुछ कहता है तुमसे कुछ कहता ही नहीं है। कहां साहबजादे? घर में तो वो है नहीं, पता नहीं कहां चला गया। इन दिनों बड़ा चुपचाप सा रहता है, जितना सवाल करो उतना ही जवाब देता है। अब पहले की तरह नहीं, अम्मी ये हो गया, अम्मी वो हो गया। हाँ महसूस तो मैंने भी किया है कि उसकी कैफियत पहले जैसे नहीं रही। मैंने उससे कहा कि जाकर हिना को ले आए, तो बस उसने शायद मेरा भरम रखने के लिए मुझसे हाँ भर ली। कोई बात नहीं अबू, अगर समीर नहीं जाएगा तो मैं ही जाके हिना को ले आऊंगी। नहीं मेरी भी सिर्फ अगर हिना को कोई लेने जाएगा तो सिर्फ समीर ही जाएगा। समीर को ही जाना चाहिए। हिना की अम्मी का फोन आया था, वो शिकायत कर रही थी कि समीर ने हिना को फोन तक नहीं किया। और क्या कहूं मैं आपसे, बातों बातों में वो मुझसे समीर के ख्यालात कुरेदना चाह रही थी हिना के बारे में। उन्हें खदशा इस बात का है कि कहीं उन दोनों में कोई रंजिश न पैदा हो गई हो। फिर आपने उनसे क्या कहा? जहां तक मुमकिन हुआ वहां तक बात को ढांकने की कोशिश की, पर सोचती हूँ मैं कब तक ऐसा करती रहूंगी। डरती हूँ कहीं वो रूबी के बारे में जान गए तो हम किस मुंह से उनका सामना करेंगे। या आपके लाडले हमें बिरादरी में जलील करके छोड़ेंगे। इज्जत ही तो असल सरमाया है गुलाम, अगर यही चली गई तो सोचकर ही कांप जाता हूं। ये साहबजादे साफ साफ तो कुछ कहते नहीं, जो कुछ हम कहते हैं उसे टाल मटोल कर देते हैं। मुझे तो लगता है कि मिर्जा साहब को पहले से कुछ शक हो गया था, इसीलिए आज उनकी बेगम ने टेलीफोन पर आपसे सच्चाई को रेत दी। चाहिए बात अगर बढ़ गई ना तो जितने मुंह उतनी बातें होंगी, और बिगड़े हुए हालात कब और कैसे पलटी खाएं कोई कुछ नहीं कह सकता। अब ले देकर वो हिना बची है, अगर वो वापस आ जाए तो हालात के संभलने की कुछ आस पत है। अस्सलाम वालेकुम अकरम मियां, मसरूफ है? आहा वालेकुम अस्सलाम, ये मैं क्या देख रहा हूँ, जरूर मेरी कोई नेकी कबूल हो गई है जिसके बदले तुम दोनों को आज मैं एक साथ देख रहा हूँ। तशरीफ रखिए, बैठो। अकरम, हीना और समीर की दूरी आज हम दोनों को एक करके तुम्हारे पास ले आई है। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। अकरम हमें शक है हीना और समीर के बीच जो मामला हुआ है उसे तुम जानते हो, और अब इस हकीकत से तुम ही पर्दा उठा सकते हो। लगता है तुम दोनों ने बीड़ा उठा लिया है कि रूबी और समीर के बीच का किस्सा खत्म ही हो जाए। तो इसका मतलब तुम जानते हो कि समीर और रूबी के बीच कुछ किस्सा है? हाँ, ना समीर ने कभी बताया और ना ही रूबी ने, और दोनों ने कभी ये बात मुझ पे जाहिर भी नहीं होने दी। यहां तक कि हीना को भी इस बात का पता था मगर वो हमेशा खामोश रही, मगर वक्त ने एक एक सच्चाई से पर्दा उठा दिया। ये इंकशाफ कहीं तुम्हारी पार्टी में तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां हीना का सामना रूबी से हुआ था। बस उसके बाद से समीर अपने आप में नहीं है और हीना अपने घर चली गई है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है नमीरा। वहां हुआ क्या था अकरम? किसी बात पे रूबी और हीना में कहा सुनी होगी, और समीर ने रूबी की हिमायत करते हुए हीना पर हाथ भी उठाने की कोशिश की।
समीर ने हीना पर हाथ उठाया, ज्यादती की भी हद कर दी उसने। और तुम भी अकरम, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाए रखी अभी तक? मैंने सोचा था कि आपस की बात है, आपस में रहे तो अच्छा है, मगर अब इसकी सूरत भी नजर नहीं आती। मैंने रूबी और समीर दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सब बेकार है। अकरम, ये बातें तुम्हें अब्बू को बतानी चाहिए थी, या कम से कम हम लोगों को बताते। ऐसे चुप रहकर तो तुमने समीर की हिम्मत को और बढ़ावा दिया है। अब्बा ने मुझे रोक लिया, कहने लगे शायद फैजान अंकल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता था। ठीक है, मगर अब जो हमें ठीक लगता है हम वही करेंगे। हेलो हीना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम आओगी? अगर तुम चाहती हो तो जरूर आऊंगी। ताज्जुब है हीना, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं पूनम, मुझे अकेले ही जाना है। अकेले जाना है, मगर कहाँ? नमीरा ने बुलाया है मिलने को। अच्छा, तो तुम अपने घर जा रही हो? नहीं, कहीं और। हीना, तुम्हें नहीं लगता ये मामला बहुत सीरियस हो गया है? लगता तो यही है, रूबी को लेकर होने वाले झगड़े के बारे में शायद नमीरा को पता चल गया है, और इसी सिलसिले में मिलना चाहती होगी। हीना, जब इस बात को लेकर इतना हंगामा है तो जब उसे तलाक के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? समीर के खिलाफ आसमान सर पे उठा लेगी। तो मेरे ख्याल से तुम्हें नमीरा को सारी बात बता देनी चाहिए। हरगिज नहीं। हीना, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे ऐसा करने से समीर पर हर तरफ से दबाव पड़ेगा और सब लोग तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे। तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है। परेशान तो नहीं करता बबलू? नहीं, परेशान तो नहीं करता है, बस आप ही को याद करता है। बस ऐसा ही कुछ हाल हमारा भी है। हीना आ गई। आदाब। आदाब। आओ हीना, बैठो। तौकीर को मेरे साथ यहां देखकर तुम्हें हैरानी हुई होगी, खुशी भी हुई। हीना, हम दोनों ने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है। हीना, मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में कई सवाल उभर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता देना जरूरी समझती हूं कि अकरम के मार्फत हमें सब कुछ पता चल गया है। समीर ने तुम पर हाथ उठाकर जो तुम पर ज्यादती की है, उसे मेरे रोम रोम में आग सी लगी हुई है। यूं लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ साथ मैं भी अंगारों पर चल रही हूं। मुझे तौकीर का साथ मिला और अब हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हमने फैसला किया है कि किसी भी कीमत पर हम समीर को सही रास्ते पर लाएंगे, लेकिन आज उससे भी ज्यादा जरूरत इस बात की है कि तुम हमें अपने हालात से वाकिफ कराओ। जब ये बात मुझे अकरम ने बताई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी बात मुझे किसी और के जरिए पता चल रही है, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती थी? खामोशी ताकत भी होती है और कमजोरी भी। तुम्हारी खामोशी को क्या समझे? हीना, मैं जानती हूं कि सहना तुम्हारी फितरत में है,
लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और आज भी समझाती हूँ कि तुम बेवजह सहना छोड़ दो। अगर तुमने मेरी ये बात पहले ही मान ली होती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नमीरा, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, आज जो करना है उस पर बात करो। हीना, अब तो मेरी ही मिसाल ले लो, तौकीर ने तो मेरे साथ समीर जैसा सलूक कभी नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हालात के साथ समझौता करना गवारा किया, मगर झुकना नहीं। घुटने मैंने भी तुम्हारे सामने नहीं टेके थे नमीरा। हाँ, हम दोनों ने अपनी अपनी जगह रहकर अपनी लड़ाई लड़ी, आज हमारे डिफरेंसेस दूर होते जा रहे हैं। आपके और मेरे हालात में एक बहुत बड़ा फर्क है, तो बताओ, बताओ ही ना कि वो फर्क क्या है। देखो, जब तक तुम हमें बताओगी नहीं तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। मैं नहीं बता सकती हिना। कमरे में? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और कुछ सुनाना बाकी है? हाँ, सुनाना भी है और सुनना भी है तुमसे, इसीलिए मैंने तुम्हारा कमरा चुना है। जानते हो क्यों? कि अगर हमारे बीच शोर हुआ भी तो किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगी। कौन सी बात? ये बात तुम्हारे लिए नई नहीं है, इससे पहले अब्बू तुमसे ये बात कर चुके हैं और तुमने किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल दिया। तो तुम चाहती हो कि मैं हीना के पास जाऊं और उसे यहां ले आऊं? तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? मैं सिर्फ इस घर की भलाई चाहती हूँ, और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे इस बात पर मजबूर मत करो कि मैं अब्बू को जाकर सारी बातें बता दूं कि तुमने रूबी की हिमायत में हिना पर हाथ उठाने की कोशिश की। तुम्हारे लिए रूबी ही सब कुछ है, हिना कुछ भी नहीं। देखो नमीर, इस घर के बारे में सोचने से अच्छा है कि तुम अपने घर के बारे में सोचना शुरू कर दो। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी हक है। इस घर के लिए तुम पराई हो चुकी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता किसी और घर से जुड़ चुका है। हाँ, यही बात मैं तुमसे कहलवाना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा रिश्ता हीना से जुड़ चुका है और अब रूबी तुम्हारे लिए पराई हो चुकी है। जब तुम उसे नहीं छोड़ सकते तो तुम मुझे इस घर को छोड़ने का हुक्म देने वाले होते कौन हो? मेरी बहन होकर तुमसे मेरी खुशियाँ क्यों नहीं देखी जाती? जिसे तुम खुशियाँ समझते हो ना वो तुम्हारे जहन की अय्याशी है। नमीरा, चिल्लाओ मत। तुम्हें अपनी भलाई का ख्याल है या नहीं? मुझे अपनी भलाई का ख्याल है, मगर तुम लोगों को कभी मेरा ख्याल नहीं आया। जहन्नम बना दिया है तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को। अपना ये नजरिया तुम अपने पास ही रखो समीर, और अब सुनो कि जो कुछ भी तुम्हें करना था वो तुम कर चुके हो। अब तुम सिर्फ वही करोगे जिसमें हीना खुश रहेगी, हम सब खुश रहेंगे, ना ये बात अब्बू तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, और जिस इश्क का बुखार चढ़ा है ना तुम पर उसे भी उतरने में देर नहीं लगेगी।